हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। पंचायती राज चुनाव को लेकर के गांव का माहौल इस समय देखते ही बनता है भाई। आज के दिन ग्राम प्रधान की आरक्षण सूची भी आ चुकी है और वो गांव-गांव चस्पा हो चुकी है और इस लिस्ट को लेकर के गांव में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों के बीच में। लोग जा रहे हैं भीड़ के भीड़ इकट्ठा हो करके और देखने के लिए कि आखिरकार गांव में किस जाति की किस वर्ग की सूची आ गई है। और यही नहीं, गांव में जो भी माहौल है इस समय उस पर लोगों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं और क्या माहौल है। सूची आने पे अच्छा माहौल है। जो अभी तक कंफ्यूजन में चल रहे थे लोग कि कौन सी सीट आएगी, तो अब मतलब माहौल क्लियर हो गया है। अब जो प्रत्याशी हैं अपना अपना वो चालू कर देंगे प्रचार। इंतजार तो हम लोग करीब 2-3 महीने से लगातार कर रहे थे कौन सी सीट आएगी। अभी तक पता चल रहा था कि बैगवट सीट आने वाली है, फिर उसके बाद मतलब सम्मान सीट आ गई है। चलो ठीक है, ये भी सम्मान सीट है, सभी के लिए मौका है। पुराने में एससी महिला थी। सूची आने से गड़बड़ सड़बड़ हो गया, जो कि 2000 में हरिजन सीट आई थी, आज तक अभी हरिजन सीट नहीं आई। बैकवर्ड आ गई सम्मान, 3-4 बार आ गई बैकवर्ड, 2 बार आ गई हरिजन सीट, अभी नहीं आई। कहीं धंधा फंदा कुछ आजा पाची ना हो जाए, झगड़ा विवाद ना हो जाए चुनाव में। प्रत्याशियों को जैसे जैसे अब प्रत्याशी खड़े होंगे, जिसका जैसा व्यवहार होगा वैसा होगा। है कि बैकवर्ड हमारे यहाँ अच्छी बात नहीं है। जहाँ राजा बन जाएंगे, जहाँ इधर को बोलेंगे कि प्रधान जी, तो उधर को सुनेगा कोई नहीं, गरीब आदमी का सुनता। इसलिए रो रहे हैं, क्या करें। इस गाँव में कोई मजदूरी नहीं है, कोई हम लोगों को कुछ नहीं। जो बड़ा आदमी है उसी के पास हर चीज है। इस प्रकार नेता ऐसा हो कि जो हमारे विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, लोगों के लिए कुछ करे। क्योंकि जितने भी प्रधान अब तक हुए हैं वे सब किसी किसी क्षेत्र का ही ध्यान दे पाते हैं। हमारा जो प्रधान हो वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो वो सबकी समस्याएँ समझेंगे। अच्छा नेता चुनना चाहते हैं, क्योंकि मतलब वो जैसे अपने मतलब जहाँ तक उसका क्षेत्र लगे वो विकास कर सके, उसमें देखभाल कर सके, जिसका राशन कटा हो राशन बनवा सके। तो आरक्षण सूची आने के बाद राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति में कुछ फर्क आता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबर लहरिया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।